हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले फ्रेंड्स इस 7th स्टैंडर्ड का यहां पे बात करेंगे। 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स जो हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था, जिसका नाम है यहां पे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने बनाया था प्रीवियसली एंड वो स्क्रीन पे मैंने पढ़ाया था, तो आपको ध्यान में होगा। तो उसमें मैंने बहुत सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स मैंने बताए थे कि कैसे हम लोग प्लस और माइनस कर सकते हैं कोई भी इंटीजर्स का एंड साथ में कैसे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ये सभी चीज मैंने बताया था। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ा, इसी के बेस पे आज जो हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है वो हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। एंड जो भी हम लेक्चर वीडियो लेकर आते हैं फ्रेंड, आपको पता है कि हम लोग जो टाइम टेबल बना है उसके अकॉर्डिंग लेकर आते हैं। तो आज अगेन थर्सडे का दिन है, तो मैथ्स का लेक्चर वीडियो आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पे मैथ्स का लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। ओके, तो आप देख सकते हो लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रैक्टिस सेट जो है, जो मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ा था कि कैसे मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, उसी के बेस पे आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट 8 है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीप्लाई है, इसका मतलब आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे, आपको बस सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, आप देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट आपका जो है, आपके पास अगर टेक्स्टबुक होगा तो आप देख पा रहे होंगे। टोटल 8 एग्जांपल आपको दिए हैं, तो मैं 4 एग्जांपल खुद कराऊंगा यहाँ पे, 4 एग्जांपल्स आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, जो कि बहुत सिंपल है, आप लोगों को पूरा करने आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल इज -5 मल्टीप्लाई बाय -7, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। -5 जो है -7 से मल्टीप्लीकेशन करना, सिंपली मैंने आपको बताया था। सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना होता है, जो भी इंटीजर्स आपको दिया है, चाहे प्लस में दिया हो, चाहे माइनस में दिया हो, चाहे जीरो दिया है, आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव जो है मल्टीप्लीकेशन उसको ध्यान में रखना है। नंबर्स क्या है यहाँ पे, नंबर 5 है, नंबर 7 है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 5 और 7 को अपने मन के अंदर क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो स्टेप पहले ऐसा आपको लिखना है, -5 मल्टीप्लाई बाय -7, आपको ये स्टेप लिखना है, ठीक है। और इक्वल टू ऐसा लिखने के बाद आप क्या करोगे, 5 जो नंबर, जितने भी नंबर्स ये रहते हैं, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 5 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, 35, आपको पता है, ओके। 5 और 7 आपस में, 5 7 से 35 होता है, दोनों में मल्टीप्लाई होकर 35 आ गया। और आपको मैंने बताया था रूल, आपको याद होगा कि अगर मल्टीप्लीकेशन में दोनों नंबर माइनस आते हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मैंने आपको रूल बताया था। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में ही आएगा, मतलब यहाँ पे अगर प्लस लिख दो तो भी चलेगा, अगर प्लस नहीं लिखा है, सिर्फ 35 लिखा है आपने, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 35 इज द आंसर ऑफ दिस। क्लियर है फ्रेंड्स, कितना इजी है, विद इन 10 सेकंड, आप बोल सकते हो 10 सेकंड आप गिनोगे नहीं तब तक आपका आंसर निकल जाएगा और आपको एक मार्क्स देके चले जाएगा, कितना सिंपल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एग्जाम में अक्सर पूछता है आधा मार्क्स के लिए, एक मार्क्स के लिए दो क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली एग्जाम में, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, ओके, फटाफट से हम लोग करेंगे और आगे का जो पार्ट है हमारे डिविजन के ऊपर भी आज जाना है हम लोग को, तो फटाफट से ये प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। फिर सेकंड एग्जाम्पल आप देखोगे, तो सेकंड एग्जांपल है -9 मल्टीप्लाई करना है, -9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है। तो सेम, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम वैसे लिख दो जो क्वेश्चन है आपका, -9 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, इज इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहले जो नंबर है 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो, जो नंबर है आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 6 का कितना होता है, 54 होता है, आपने लिख दिया 9 6 54। फिर आपको देखना है कि प्लस लगाना है इधर पे कि माइनस लगाना है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में क्या नंबर दिए हुए, इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, मतलब कुछ भी है ना, 6 के पास कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस ही होता है ऑब्वियसली। तो अगर मैंने आपको बताया था कि दोनों नंबर में से कोई एक नंबर भी अगर निगेटिव आ गया, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन में बात करो, मल्टीप्लीकेशन के अंदर कोई एक नंबर भी अगर निगेटिव आता है, चाहे वो इधर आए चाहे वो इधर आए, कोई एक नंबर भी निगेटिव है तो आपका आंसर भी क्या आता है, निगेटिव आता है, ये मैंने आपको रूल्स मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में, तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो एक भी निगेटिव आ गया, इसका मतलब आंसर भी हमारा जो आएगा वो निगेटिव आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -54, ठीक है। तो -9 मल्टीप्लाई बाय 6 इज -54, आई होप ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, थर्ड वन भी करा लेता हूँ फटाफट से आपको, ओके, थर्ड क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 9 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है, 9 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले लिख देंगे क्वेश्चन नंबर, 9 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे इसको, जो नंबर्स है 9 है नंबर, 4 है नंबर, तो 9 4 का कितना होता है, 36 होता है, कितना, तो बेसिक मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही होगा, कोई चौथी पांचवी का बच्चा भी बता देगा, ठीक है। 9 4 का 36 हो गया। फिर आपको देखना है कि माइनस साइन किसके किसके पास है, आप देखोगे तो एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, मतलब एक के पास ही नेगेटिव है, तो फिर से वही रूल कि अगर किसी एक के पास भी नेगेटिव आ गया, मतलब माइनस का साइन आ गया, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, एंड आंसर हो जाएगा आपका -36। आई होप ये वाला आपको भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ, तो चौथा भी आपको मैं करा लेता हूँ फटाफट से, एंड बाकी का जो 4 है वो आप लोग के लिए होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है, तो आप लोग जरूर से करना, क्योंकि इतना सिंपल है कि सब मैं कराऊंगा तो भी वो टाइम वेस्ट के बराबर ही हो फ्रेंड्स, तो इससे अच्छा आप ये 4 जो बचे हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको करना है, ठीक है। तो एक फोर्थ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एंड आपको 5th 6th 7th 8 ये आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो फोर्थ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग फास्ट। फोर्थ एग्जाम्पल इज 8 मल्टीप्लाई बाय -7, ठीक है, 8 को -7 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली लिख दो 8
मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवन इज इक्वल टू, नंबर क्या है 8 है और 7 है, तो 8 7 का कितना होता है 56, आपने लिख दिया 8 7 का 56। ओके, एक के पास पॉजिटिव है दूसरे के पास नेगेटिव है, मतलब फिर से एक नेगेटिव नंबर आ गया, तो अगेन आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 56 इज द आंसर। ठीक है, करेक्ट है, आगे आपका आंसर 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 इज माइनस 56। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी हम लोग नया नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना सिंपल है कि आप लोग विदिन 2 सेकंड विदिन 5 सेकंड आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपको टेबल आता है तो। टेबल आना जरूरी है, अभी तो ये छोटे छोटे नंबर है, कभी कभी आपको थोड़े बड़े नंबर लाइक 100 में 1000 में पूछते हैं, तो आपको सबसे पहले साइड में कहीं पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रफ में, एंड देन उसका वैल्यू जो है माइनस जो प्लस है उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, एंड प्रैक्टिस सेट हमारा जो 8 है इसके जो बचे हुए एग्जांपल है 5वां 6वां 7वां 8वां 5 6 7 8, ये आप लोगों को होमवर्क है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये होमवर्क जो है पूरा जरूर करोगे, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताओगे, मुझे आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की तरफ, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हम लोग डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ना है आप देखोगे, इसको मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ एंड टॉपिक चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 8 जो है इसको मैंने मिटा दिया, और हमारा जो टॉपिक है नया वो है हमारा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो इसके पहले आपने जो पढ़ा था वो मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, अभी आपको पढ़ना है डिवीजन, कि एक कोई इंटीजर्स आपको दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे डिवीजन कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हमारा नया टॉपिक। ओके, तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, तो नॉर्मली क्या होता है इंटीजर्स मतलब कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है या फिर जीरो, तो इंटीजर्स आपको पता है क्या होता है, तो उसका डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल दिया है 6 डिवाइड बाय 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 आप इसका आंसर कैसे निकालोगे, तो दो मेथड होता है डायरेक्टली, एक तो आप डायरेक्टली क्या करोगे अपने रफ बुक में जाओगे या फिर रफ में क्या करोगे ऊपर जो आगे नंबर होता है उसको अंदर लिखते हैं 6 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 3 6 हो गया, माइनस 0 किया, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वेश्चन है मतलब ये आपका आंसर हो गया, तो 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 3। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन इससे अच्छा आप कैसे लिखो कि कभी भी आपको कोई भी नंबर आपको पूछा है डिवाइड करने के लिए या फिर इंटीजर आपको दिया है डिवाइड करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसको इक्वल के फॉर्म में लिखने का, और ये जो भी नंबर होता है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो। 6 डिवाइड बाय 2 का मतलब होता है 6 डिवाइड बाय 2, ठीक है 6 बाय 2, तो 6 बाय 2 इज नथिंग बट 6 डिवाइड बाय 2, एंड उसके बाद आप आंसर लिखोगे कि 2 3 कितना होता है 6 होता है, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 3, एंड दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ डिवीजन। आपको अगर कुछ भी दिया रहेगा तो आप ये मेथड से कर सकते हो, और भी तरीका होता है, जैसे कि एक नंबर है हमारे पास लेट सपोज 5 डिवाइड बाय 3, ठीक है 5 डिवाइड बाय 3 ये हमारे पास एक नंबर है, तो 5 डिवाइड बाय 3 को आप डायरेक्टली डिवाइड कर पाओगे क्या, आप करके देख लो। ठीक है, ये 5 ले लो, ठीक है 3 ले लो, 3 1 3 होता है, माइनस करके 2 बचा, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब समथिंग पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो आपको पॉइंट में नहीं निकालना है लेकिन आप फ्रैक्शन में निकाल सकते हो। तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल मेथड है, आपको ये करना है साइड में ये जाके करना है, आपने निकाल लिया क्वेश्चन निकाल लिया रिमाइंडर निकाल लिया, आपके पास डिवीजर है, तो आपको ये करना है, ये जब कर लोगे आप उसके बाद क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको ये जो डिविजर होता है, ठीक है ना, ये सॉरी जो कोशेंट होता है उसको सबसे पहले लिखना होता है 1, उसके बाद ये आप देख पा रहे हो, ठीक है रिमाइंडर 2 बाय 3, ठीक है ऐसा आपको लिखना होता है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा, ठीक है 3 1 3 प्लस 2 मतलब 5 बाय 3, आपको आता है मिक्स फ्रैक्शन, ऐसे करते थे हम लोग, आपने 5th 6th में सॉल्व किया होगा अगर आपको याद आ रहा होगा, तो हम लोग कैसे एक डिविजर को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 बाय 3 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 डिवाइड बाय 3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है 5 बाय 3 इज इक्वल टू 1 2 बाय 3, और ये 1 प्लस 2 बाय 3 भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत अलग अलग है, तो आपको मैं कुछ नंबर लाइन के हिसाब से भी, अगर आपको याद होगा कि हमने नंबर लाइन भी पढ़ा था, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, कि लेट सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है कुछ नंबर को। ओके, आपको कुछ नंबर जो है आपके पास, लेट सपोज 5 बाय 2 है, ठीक है 3 बाय 2 है, ऐसे कुछ नंबर है, तो एक नंबर लाइन ले लो। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ आपके कुछ क्वेश्चंस में दिए हुए, तो लेट सपोज हमारा नंबर लाइन है ये 0 होता है, ठीक है ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2 हो गया, -3 हो गया, तो आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, लेट सपोज 3 बाय 2 दिया हुआ है, 5 बाय 2 दिया हुआ है, यहाँ पे -1 बाय 2 दिया हुआ है, लेट सपोज -3 बाय 2 दिया हुआ है, ऐसे कुछ नंबर है, ये आपको ये नंबर को यहाँ पे प्लॉट करना है, तो आप कैसे प्लॉट करोगे, क्योंकि ये तो डायरेक्टली माइनस में है, ये प्लस में है, वो भी 1 2 3 के फॉर्म में है, ये और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको कैसे आप करोगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो भी डिनोमिनेटर दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है अभी हम लोग एक्चुअल टॉपिक पे आए नहीं, हमारा जो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है वो हम लोग आया नहीं, लेकिन ये जो बेसिक कुछ दिए हुए आपके सिलेबस में वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये जो डिविजर्स है मतलब सॉरी डिटरमिनेंट्स जो है नीचे के डिनोमिनेटर जो है वो आपको देखना है, तो डिनोमिनेटर्स आपने देखे तो 2 दिए हुए, इसका मतलब हर एक जो यूनिट है आपका उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 2 इसके लिए 2 हिस्सों में किया, डिवाइड बाय 3 होता तो 3 हिस्से में करेंगे, डिवाइड बाय 4 ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन उसमें भी किया होगा ना, अगर आप 8th स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो उसमें भी आपको देखने मिलेगा, तो यहाँ पे बताता हूँ कि डिवाइड बाय 2 है इसका मतलब 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया, सबको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है
कर दिया 2600 डिवाइड। अब जो मेरा पहला लाइन रहेगा वो क्या रहेगा, जो पहला पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट रहेगा एंड 2600 में डिवाइड किया इसके लिए ये 2 रहेगा 1/2। तो ये हो गया 2/2, ये हो जाएगा आपका 3/2, ये 4/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। फिर आगे जो रहेगा वो हो जाएगा 6/2 मतलब 3, ठीक है। वैसे आप निगेटिव में भी ये आपका जो पहला पॉइंट रहेगा वो -1/2 रहेगा, ये 1 हो गया, फिर ये मतलब ये 1/2 है, ये 2/2 है, ये 3/2 हो जाएगा, मतलब ये माइनस में है, तो आपका ये क्या हो जाएगा -3/2, ये 4/2, ये 5/2 है, इसका मतलब ये -5/2 है, ठीक है। तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हो। तो 5/2 आपको किधर दिख रहा है, ये वाला 5/2 है, मतलब दिस पॉइंट इज कॉल 5/2। फिर आपको 3/2 चाहिए तो यहाँ पर 3/2 पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट 3/2 है आपका, -1/2 किधर है आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, -1/2 हो गया, ये -3/2 है। तो ऐसे आप अरेंज कर सकते हो, लेकिन ये आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं कि ड्रॉ या फिर रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, एक का सिलेबस है, लेकिन आपको यहाँ पे एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया है कि आप ऐसे बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में एक्जैक्टली आपने जो डिवाइड बाय 2 किया वो डिवीजन ही किया ना, आपने डिवाइड ही किया इसके लिए। तो कोई भी नंबर जब डिवाइड में होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब चीज हम लोग देखना है आगे जाके। तो कुछ यहाँ पे नंबर्स है उसको भी हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ओके। तो तीन यहाँ पे कंसिडरेशन है, तीन टाइप के यहाँ पे दिए हुए आपको। तो तीन टाइप को मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ओके। तो सबसे पहले जो आपका मेथड है वो है कि टू डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर्स बाय अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब कोई भी एक पॉजिटिव नंबर। आपको मैं तीन एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा, फिर हम लोग जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उस पर भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहला आप देखोगे तो यहाँ पे 7 है डिवाइड बाय -2 है, मतलब आप एक पॉजिटिव नंबर ले रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो, उसको किससे डिवाइड कर रहे हो, एक नेगेटिव इंटीजर से। तो 7/-2, इसके पहले आपने देखा होगा कि ऊपर -7 रहता है, नीचे 2 रहता है, लाइक ऐसा आपने बहुत इजीली किया होगा डिवीजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। लेकिन ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर कुछ भी ऐसा नंबर आता है तो ऊपर नीचे आपको क्या करना है, 1 का हेल्प लेना है, क्योंकि आपको पता है कि 1 हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, 1 का कुछ वैल्यू होता नहीं है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो आपको ये करना है, यहाँ पे 7/-2 आपने जो लिखा है ना यहाँ पे, आपको ये करना है कि 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही होता है, और यहाँ पे -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -2 ही होता है, मतलब मैंने ऊपर भी 1 नीचे भी 1 मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये 7 × 1 तो पहले से ही था ऊपर, लेकिन ये जो -2 के पास माइनस है ना, ये माइनस जो मैं 1 के पास दे दूंगा तो ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया -2 को, इसका मतलब भी वही आएगा क्योंकि -2 × 1 = -2 एंड 2 × -1 = -2। तो हमने क्या किया, सिर्फ स्विच किया, किसको स्विच किया, माइनस जो 2 के पास था वो माइनस मैंने 1 के पास दे दिया, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत सिंपल है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये मैंने कर लिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ। क्या सेपरेट कर सकता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 7/2 को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है, 7/2 जो है मैंने सेपरेट कर लिया, और 1/-1 को मैं यहाँ पे सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है, 1/-1 को क्या पे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर लिया। अब ये जो 1/-1 है, ये 1/1 = 1 ही ना, ठीक है ना, 1/1 = 1, और ये माइनस है इसके पास, इसके लिए हमारा जो आंसर आएगा -1 आएगा। तो इज इक्वल टू, इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/-1 = -1, ठीक है। तो ये हो गया, अब 7/2 है तो ये जो ऊपर -1 आया आपका, तो ये -1 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/-1 हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, और हमें आंसर क्या मिलेगा, 7/-7 × -1 = -7/2। तो ये -7/2 आपका आ जाएगा, और ये हम लोग कन्वर्ट किया, हम लोग ने कुछ आंसर नहीं निकाला यहाँ पे कि 7/-2। आप बोलोगे सर इतना लंबा क्यों, डायरेक्टली तो ये माइनस उठा के -7 के पास लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, क्यों नहीं, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि वो नीचे का माइनस जो है, क्योंकि कुछ लोग सवाल उठाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो -2 था ये ऊपर कैसे आ गया, कैसे आया, ये पूरा प्रोसेस से आया वो, कि हमने -1 को अलग रखा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस नीचे हो या फिर ऊपर हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपली अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि -6/2 हो या फिर आपका 6/-2 हो, ये दोनों का मतलब क्या है, सेम है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको पहला ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कैसे ऊपर एक पॉजिटिव इंटीजर रहे और नीचे एक निगेटिव इंटीजर रहे, तो कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर हमारा कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। एक और यहाँ पे दिया हुआ है, टू डिवाइड एनी निगेटिव इंटीजर बाय निगेटिव इंटीजर, मतलब ऊपर भी निगेटिव हो नीचे भी निगेटिव हो, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सेकंड केस है हमारा, सेकंड केस हमारा कि ऊपर भी क्या रहे, निगेटिव इंटीजर का नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, लेट्स सपोज -13, नीचे भी आपको दिया है -2। ये केस में आपको क्या करना है, सेम यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 का हेल्प लेना है, तो -13 × 1 ले लो, डिवाइड बाय -2 × 1 ले लो, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो भी वही रहने वाला है, मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो भी वही होने वाला है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये माइनस जो 13 के पास था वो मैंने 1 को दे दिया, तो ये हो जाएगा 13 × -1 हो गया, 1 के पास माइनस चला गया, और वही नीचे जो 2 के पास माइनस था वो मैंने 1 को दे दिया, तो -1 हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको सेपरेट कर सकता हूँ, ये 13
अपॉन टू को मैंने सेपरेट कर दिया मल्टीप्लाई बाय ये माइनस वन, नीचे भी माइनस वन, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं कर रहा हूं यहाँ पे मैं, बस सेपरेट करते जा रहा हूं। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 13 डिवाइड बाय 2 हो गया ये, मल्टीप्लाई बाय माइनस वन डिवाइड बाय माइनस वन इज नथिंग बट 1, ठीक है। और माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं आपको पता ही है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। और यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करोगे 13 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो अगेन आएगा 13/2 एंड दिस इज योर आंसर, दैट इज -13/-2 जो आप लिख रहे थे यहाँ पे -13/-2 उसका आंसर क्या एक्चुअली 13/2। तो मतलब आपने क्या किया कि सिर्फ निगेटिव साइन हटा दिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे -13/2 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे, यस लिख सकते हो, बट यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है। मैथ जो है एक प्रोसेस है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे आगे जब सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ओके, और एक तीसरा टाइप है कि व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो इंटीजर, मतलब कोई इंटीजर आपका ऊपर दिया हुआ है, लेट सपोज यहाँ पे मैं इसको पहले रफ कर लेता हूँ, आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज आपका कोई एक इंटीजर है, ठीक है, तो एक इंटीजर है 7, उसको मैं क्या करता हूँ नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करता हूँ। तो नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी नंबर हो चलेगा। तो लेट सपोज मैंने ले लिया -2, तो 7/-2 जैसा कि ऊपर हमने देखा था, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे भी लिख सकते हैं, -7/2 भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो 7/-2 लिखो या फिर -7/2 लिखो, एक ही बात होता है। तो हम लोग का जो कोशेंट होता है ना, अगर कोई भी नंबर जो होता है इंटीजर उसको हम लोग निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोशेंट होता है मतलब आंसर वो क्या होता है, निगेटिव आता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। वही अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल है, 11/-11/-3 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, जो हमने दोनों स्टेप पढ़ा कि 7/-2 था उसको हम लोग -7/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। एंड वही अगर -11/-3 लिखा है तो इसको हम लोग डायरेक्टली 11/3 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, क्लियर है। अब इसके बेस पे एक एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके बेस पे एक एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 9। तो इसको हम क्या करेंगे फटाफट से देख लेते हैं, मतलब जो आपका प्रैक्टिस सेट 9 है इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है दैट इज लेक्चर नंबर 3 जो होने वाला है, जो कि मैं लेके आऊंगा जल्द से जल्द आप लोग के लिए, तो उसमें हम लोग टोटली सॉल्व करेंगे। थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 9, तो सेम जो हम लोग ने आज पढ़ा, जो प्रीवियसली पढ़ा, ये सभी के बेस पे टोटल हम लोग को सॉल्व करना है, काफी सिंपल होने वाला है, आपको बहुत मजा आने वाला है, बस आपको हमारे अगले लेक्चर का वेट करना है। उम्मीद करता हूं कि आज जो भी हम लोग ने पढ़ा है बहुत सारे टॉपिक कवर किया, प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट किया है, साथ ही में हमने डिविजन कैसे करते हैं हम लोग, निगेटिव साइंस का कैसे हम लोग वेरिएशन लाते हैं, ये सभी चीज आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, ताकि जो मेरा वीडियो है, जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए बना के, मेरा ये मेहनत सफल हो पाए एंड ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच पाए एंड हमारा वीडियो देख के आप लोग का कंसेप्चुअल नॉलेज जो है क्लियर हो पाए फ्रेंड्स, ठीक है। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।